वेलकम बैक मग तुम्हें के साथ। आप कैसे हो नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। ऐसा एक फोन जिसको हमने 3 महीने से इतने रगड़ रगड़ के यूज किया है ना यार, मतलब हाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो डेफिनेटली इस फोन को नेक्स्ट लेवल बनाती है, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा आपको निराश कर सकती है। यह है मोटो का मोटो H50 फ्यूजन। 3 महीने में हमने अलग अलग वीडियोज के अंदर रखा है, अलग अलग कंपेरिजन बनाई है, गेमिंग टेस्ट और बहुत कुछ, और इसके अंदर एक बड़ा अपडेट भी आया था लगभग 600 MB के आसपास। उसके बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी, क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या चीज़ें फिक्स हुई है। मोटोरोला को मेरी तरफ से कुछ फीडबैक भी रहेगा, वो भी आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। देखो इंटरनेट पे ना इस फोन के आगे जाके बहुत बातें की जाएगी, क्योंकि बीबीडी सेल जो आने वाला है और जो दिवाली सेल आने वाला है उसके अंदर इस फोन का और प्राइस ड्रॉप हमें देखने में मिलेगा। जब इस फोन को मैंने लिया था ना लगभग 22,000 के आसपास लिया था, और आज के टाइम पे लगभग 21,600 रुपीज के आसपास बैंक ऑफर वगैरह लगा के मिलता है, और मुझे लगता है कि बीबीडी सेल के अंदर ये 20,000 के अराउंड भी आ सकता है, तो फिर से इस फोन का नाम लिया जाएगा। बट उसके पहले सारी चीज आपको टकाटक पता होनी चाहिए। देखो जितना हमने इस फोन को यूज किया ना, आउटडोर प्रेजेंस और इन हैंड जो फील है इस फोन की अच्छी है। क्यों? देखो सबसे पहले बैक लेदर का देखने मिलता है, थोड़ा सा स्काई कलर है, इसको मोटोरोला शायद ब्लू कलर बोलता है। इसके ऊपर थोड़े से ना ऐसे मतलब डस्ट वगैरह आ जाती है, इसको थोड़ा सा आपको साफ करना पड़ सकता है। बट जो ग्रिफिंग है ना इतनी ज्यादा सॉलिड देखने मिलती है इस फोन की, और हाँ यार एक हाथ से मैं इजिली इसको यूज कर सकता हूँ, और इन हैंड फील जो है डेफिनेटली यहाँ पे बेटर देखने मिलती है, और ग्रिफिंग भी सॉलिड है लेदर का टेक्सचर होने की वजह से। बट यार एक दिक्कत मुझे यहाँ पे देखने मिली कि वो है कि यार ये अजीब सा स्मेल करने लगा है। अब हाँ कुछ टाइम तक हमने विदाउट केस भी यूज किया था, बहुत ज्यादा अजीब सा यहाँ पे ना स्मेल निकल के आ रहा है। इवन मेरे पास जो मोटो H50 प्रो भी है ना उससे भी हल्का फुल्का स्मेल आने लगा है, बट इससे ज्यादा स्मेल निकल रहा है। हाँ आप विदाउट केस या कवर यूज करते हो तो शायद ये हो सकता है, बाकी आपके साथ ये हो रहा है कि नहीं जरूर डेफिनेटली कमेंट करके आप बता सकते हो। बाकी जो साइड फ्रेम है ये भी हमें प्लास्टिक की देखने मिलती है, बट अच्छी चीज़ ये है कि ये मैट फिनिश के साथ आती है, तो इसके ऊपर कोई फिंगर के निशान वगैरह नहीं आते, और बोथ साइडों से ये कर्वी है तो ग्रिपिंग वगैरह सही होती है, इसकी वजह से हाथों में फ़ोन बिल्कुल चुभता नहीं है। बाकी अच्छी चीज़ ये है कि IP68 की रेटिंग के साथ भी आता है, इसकी वजह से मैं बारिश में भी इस फोन को यूज़ कर सकता हूँ। हाँ कोई भी ब्रांड हो यार, वाटर से फोन डैमेज होता है तो सर्विस सेंटर में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, पूरे चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि गलती से पानी में डूब गया या बारिश में भीग गया तो चलेगा, बट जानबूझ के पानी के अंदर यूज मत करना, क्योंकि मैंने कुछ कमेंट्स भी पढ़े थे कि मोटोरोला के फोन के अंदर भी पानी गूंज जाता है, बट मेरे साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 मोटोरोला के फोन IP68 के साथ अभी तक तो पानी अंदर नहीं गया है। हाँ अच्छी बात ये भी है कि NFC के साथ भी आता है, अब तक तो मैंने NFC को यूज़ नहीं किया, आपके यूजेस में आ सकता है। रही बात फ्रंट साइड से, यहाँ पे यार हमें POLED कर्व डिस्प्ले देखने मिलता है। बेजल्स देख लेना, टॉप के भी बेजल्स बहुत कम है, साइड के भी बेजल्स कम देखने मिलते हैं, बॉटम की चिन भी कम देखने मिलती है। ओवरऑल फ्रंट साइड से भी आप देखते हो तो फ्लैगशिप जैसा फील आता है कर्व डिस्प्ले होने की वजह से, बट ओवरऑल डिजाइन मुझे लिटरली इतना दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ, वन हैंडी है, सही है, ग्रिपिंग सही होती है, आउटर प्रेजेंस भी अच्छी है, बट ये जो लेदर है ना ये थोड़ा सा स्मेल करने लगा है। आपके साथ है कि नहीं ये जरूर नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो। अब एक सीरियस फीडबैक रहेगा मोटोरोला के लिए, क्योंकि आप इतना अच्छा डिस्प्ले इसके अंदर दे रहे हो बट कुछ कमियां हैं, जैसे कि इसके अंदर 6.67 इंच का POLED 144Hz के साथ रिफ्रेश रेट देखने मिलता है। इंडोर में ब्राइट फील होता है, 1200 निट्स के आसपास इसकी HBM ब्राइटनेस देखने मिलती है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। आउटडोर में भी ठीक ठाक विजिबिलिटी यहाँ पे देखने मिलती है, और जो पीक ब्राइटनेस है ना ये 1600 निट्स के आसपास है वो, बट वो कहाँ पे काम पे आती है? जो पीक ब्राइटनेस होती है ना वो HDR के अंदर तो काम आती है, बट ये फोन कहीं भी HDR को सपोर्ट ही नहीं करता, ना यूट्यूब के ऊपर ना नेटफ्लिक्स के ऊपर, तो ये पीक ब्राइटनेस कहाँ पे काम पे आएगी? है ना बहुत बड़ी बात। और ये मोटोरोला को क्लियर करना चाहिए या एटलीस्ट इसके अंदर HDR का सपोर्ट देना चाहिए। अब जितना मैंने YouTube के ऊपर वीडियोस देखी 4K के अंदर, हाँ वीडियो क्वालिटी सही है, कलर्स थोड़े से ज़्यादा ही सैचुरेटेड रखता है, और बाकी डीप ब्लैक वगैरह आपको देखने में मिल जाएगा, बट नेटफ्लिक्स के ऊपर जितने मैंने वीडियोस देखे यहाँ पे ब्राइट फील होता है नो डाउट, बट इस प्राइस रेंज में और भी फोन आ रहे जो इससे बेटर HDR का सपोर्ट नेटफ्लिक्स के ऊपर देते हैं। ओवरऑल कंटेंट क्वालिटी आपको ठीक ठाक देखने में मिल जाएगी, बट मेरा क्वेश्चन वही फिर से आएगा कि HDR का सपोर्ट क्यों नहीं है, डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन इतने तगड़े देखने में मिलते हैं उसके बावजूद भी। हाँ जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है ये एक्यूरेटली काम करता है, मैंने जितना इसको यूज़ किया ऐसा कभी काम किया नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं, बट जैसे आप अनलॉक करते हो जो हैप्टिक्स निकल के आते हैं
ये आपको नॉर्मल वाले देखने मिलते हैं, ये घुर घुर टाइप इफेक्ट क्रिएट होता है। कुछ टाइप कर रहे हो, रिसेंट पे ऐप के पेजेस को स्क्रॉल कर रहे हो, तभी भी घुर घुर टाइप इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर जो ड्यूल स्टीरियो स्पीकर है उसके लिए मैं लिटरली मोटरोला की तारीफ करूंगा, बट अब धीरे धीरे क्या हो रहा है पता है, स्पीकर से फटने जैसा आवाज निकल के आ रहा है। अब कुछ मुझे नोटिफिकेशन आती ना, फर्र कर जाता है, फर्र मतलब पता नहीं यार ये कैसे, तो मुझे नोटिफिकेशन का वॉल्यूम कम करके रखना पड़ता है। और हाँ, मैंने फ्लिपकार्ट पे कुछ रिव्यू भी पढ़े थे, वहाँ पे भी मेंशन किया है कुछ लोगों को ना इसके अंदर स्पीकर के थोड़े इशू आ रहे, फिर भी ना मैं लाउडनेस इसकी सुना देता हूँ आपको। अब तो आवाज यहाँ पे सही निकल के आ रही है, बट इंस्टाग्राम पे आप रील देख रहे हो जिनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, या कोई नोटिफिकेशन आता है ना, थोड़ी सी फट रही है आवाज। मतलब मैंने पर्सनली ये नोटिस किया है, आपके साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आप जरूर नीचे कमेंट करके यहाँ पे बताना। बट हाँ, यूट्यूब के ऊपर नॉर्मल आवाज में आप वीडियोज वगैरह देखते हो तो आवाज ठीक ठाक आपको देखने मिल जाएंगी। बेस वगैरह सही है, डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करता है, तो ऐसी कुछ चीजें है। बट डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपको ना नेटवर्क सेक्शन के अंदर पता होनी चाहिए। देखो इसके अंदर 12 5G के बैंड्स देखने मिलते हैं, और यहाँ पे जितना मैंने टेस्ट किया अभी ये एरिया 5G के अंदर ONR को सपोर्ट करता है, फिर भी यहाँ पे 5G के अंदर OLTA शो करता है। हाँ, यहाँ पे जो नेटवर्क का स्पीड वगैरह, डेटा का स्पीड वगैरह, ये आपको टकाटक देखने मिल जाएगा, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। बट मेरा पहला इशू आता है कि ये फ़ोन जब वाईफाई के साथ कनेक्ट होता है ना, तो यार वाईफाई कॉलिंग के इशू अभी तक स्टिल कम्प्लीटली फिक्स नहीं हुए हैं। कुछ कॉल आते ही नहीं जब फोन वाईफाई पे होता है, और कुछ कॉल आते हैं ना मैं पिक भी करता हूँ तो आवाज़ ही नहीं आती, तो फिर मुझे वाईफाई को डिसकनेक्ट करके मोबाइल नेटवर्क के अंदर से फिर फोन को लगाना पड़ता है, तब फोन 5G से 4G के ऊपर भी शिफ्ट होता है। बट जो ये वाईफाई कॉलिंग का इशू है ना, ये हाँ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार ये आता है, कभी कभी फेस होता है, 10 कॉलों में से कम 3 से 4 कॉल को आपको ये फेस होगा वाईफाई के साथ। तो ये पर्सनली मैंने नोटिस किया, और इसके ऊपर मोटोरोला को डेफिनेटली काम करना चाहिए। ओके, अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ना मैं आपको परफॉर्मेंस सेक्शन के अंदर बता देता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 का प्रोसेसर देखने मिलता है, जिसके Antutu 560,000 के अराउंड देखने मिलते हैं। और जो CPU थ्रोटलिंग है ना, इसके अंदर भी 87% की परफॉर्मेंस है, और एवरेज IPS स्कोर 225,000 के अराउंड देखने मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से, प्रोसेसर के हिसाब से जो परफॉर्मेंस स्कोर निकल के आ रहे हैं ना, ये सही और बैलेंस निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं है। हाँ, बाकी वेब स्टोरेज 2.2 ही देखने मिलता है, बट ऐप ओपनिंग मुझे यहाँ पे अच्छी देखने मिली, फटाफट ऐप ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, यहाँ पे कोई भी दिक्कतें नहीं है। और एनिमेशन की बात करें, अभी जो नॉर्मल ऐप आप यूज करते हो जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, ये फटाफट ओपन होते हैं, बट जब हेवी ऐप की बात आती है तब थोड़े से एनिमेशन स्लो फील होते हैं, और ऐप भी थोड़े से स्लो ओपन होते हैं। बट डेफिनेटली दिक्कत होगी आपको गेमिंग के अंदर। अब कैसे, देखो ये जो प्रोसेसर है ना, मतलब आप पकड़ के चलो कि गेमिंग को ज्यादा टारगेट नहीं करता है। BGMI के अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की सेटिंग्स देखने मिलती है, तो लगभग आप नॉर्मल TDM वगैरह खेलते हो, या मोड्स जो आए ना BGMI के अंदर वो खेलते हो, और क्लासिक मैचेस वगैरह खेलते हो, तो आपको डिसेंट टाइप एक्सपीरियंस देखने मिल जाएगा। और FPS में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, तो आप मतलब ऐसे पकड़ के चलो कि आपको 50 से 55 FPS के बीच में FPS मिलेंगे सारे मैचेस को कंबाइन करके। और आप सेपरेटली क्लासिक मैचेस वगैरह खेलते हो, रैंकड अप प्लेयर हो, इरेंगल के अंदर आप ओशन पैलेस के अंदर जाते हो, तो ओनली क्लासिक मैचेस के FPS की मैं बात करूं तो लगभग आपको 48-46 FPS के आसपास एवरेज FPS मिलेंगे। और फोन ना कुछ टाइम के बाद थ्रोटल करता है गेमिंग के अंदर, और 46-47 FPS के आसपास क्लासिक मैचेस के अंदर ये लॉक हो जाते हैं इसके FPS, और वहाँ से गेम करना थोड़ा सा इसको मुश्किल हो जाता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि आप हाई एंड के प्लेयर हो तो डेफिनेटली आपके लिए ये फ़ोन नहीं है। आपको मतलब आप मॉडरेट लेवल के प्लेयर हो, टाइम पास के लिए गेमिंग वगैरह खेलते हो, तभी आपको ठीक ठाक FPS मिलेंगे, बट प्रॉपर गेमर्स के लिए तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगा। और गेमिंग के टाइम पे थोड़ा सा वार्म फील मुझे हुआ, हाँ मेजर हीटिंग तो इसको नहीं बोला जाएगा, बट थोड़ा सा गर्म यहाँ पे फील होता है हाथों के अंदर। ओके, गेमिंग का भी पता चला, बट सॉफ्टवेयर का मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? देखो, यही मैं मोटोरोला का फ़ोन देख रहा हूँ जिसके अंदर 2-3 अपडेट्स आके जा चुके हैं, अदरवाइज जो मोटो एज 50 प्रो है ना उसके लिए अभी भी रोना पड़ रहा है। तो सही है, इसके अंदर हमें हेलो UI देखने मिलता है, क्लीन फ़ोन है, 2-3 ऐप्स प्री इंस्टॉल आए थे उनको आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, उसके बाद क्लीन एक्सपीरियंस मिलेगा, कोई ऐड का झंझट नहीं, कोई यहाँ पे फालतू की नोटिफिकेशन नहीं आती, ऐप ओपन भी फटाफट होते हैं, और एनिमेशन भी मैंने जैसे कि बोला नॉर्मल ऐप्स के लिए वगैरह आपको सही देखने मिल जाएंगे। हेवी ऐप्स आते हैं जैसे कि कैमरा वगैरह, वहाँ पे थोड़ा सा आपको एनिमेशन में लैग फील होगा, बट इतनी भी बड़ी यहाँ पे दिक्कतें नहीं है।
और उसके साथ साथ इसके अंदर जो फीचर्स देखने मिलते हैं ना वो भी यार सही है, जैसे कि सिक्योर फोल्डर वगैरह काम पे आपके आ सकता है, मेरे तो काम पे आता है। उसके साथ साथ स्मार्ट कनेक्ट वगैरह आप डायरेक्ट विंडो के लैपटॉप के साथ इस फोन को कनेक्ट कर सकते हो वायरलेसली, सारे फोन का एक्सेस आपको लैपटॉप के ऊपर मिल जाएगा। उसके साथ साथ फिंगर के एनिमेशन वगैरह कस्टमाइज करना हो या मैजिक इरेजर जो गूगल फोटोज का ऐप करके बैकग्राउंड पे अनवांटेड लुक रिमूव करता है, वो भी सारे फीचर्स आपको इसके साथ देखने को मिल जाते हैं। और जो इसका 144 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है ना वो भी सिस्टम के साथ साथ सारे थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ भी काम करता है, तो यहाँ पे भी दिक्कतें नहीं है। बट दिक्कतें स्टार्ट होती है अपडेट से, मतलब मोटरोला की जो अपडेट ट्रैक रिकॉर्ड है ना बहुत ज़्यादा खराब है। अब ये फोन लकी मैं बोल सकता हूँ कि इसके अंदर 2-3 सॉफ्टवेयर अपडेट्स आए, और करंटली इसकी जो सिक्योरिटी पैच मैं आपको बताऊँ मतलब कौन से लेवल पे चल रहा है ये, तो ये है 1 जुलाई की, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ लगभग 1 महीने पुरानी ही सिक्योरिटी पैच लेवल है, सही है। बट बहुत सारे फोन है मोटरोला के जो अभी भी पुराने ही सिक्योरिटी पैच के ऊपर है, बट जो अपडेट आया था उससे इसके अंदर ज़्यादा फर्क नहीं आया है। इवन जो बैटरी का इशू जो क्रिएट हुआ है ना वो मैं आगे आपको बताऊंगा, बट ओवरऑल सॉफ्टवेयर के लिए मैं यही बोल सकता हूँ कि क्लीन फील होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, रिक्वायर्ड सारे फीचर देखने मिलते हैं। हाँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह इसके साथ आपको देखने को नहीं मिलता, इसके ऊपर डेफिनेटली मोटरोला को काम करना चाहिए क्योंकि बाकी के सारे फोन के अंदर आते हैं। बाकी कोई ब्लॉटवेज का झंझट नहीं है, कोई एड्स का झंझट नहीं है, बट अपडेट के लिए ये फोन मैं बोल सकता हूँ थोड़ा लकी है। बट आगे जाके क्या होगा, आएंगे कि नहीं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है सॉफ्टवेयर का भी हमें पता चला, बट बैटरी का जो मैंने बोला था कि कुछ इशू, मतलब इशू तो इसको नहीं बोला जा सकता, बट जो कंसिस्टेंसी होती है ना बैटरी लाइफ के अंदर वो नहीं है। इसके अंदर 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, 68W का फास्ट चार्जर भी इसके साथ देखने मिलता है, फोन फटाफट चार्ज हो जाता है। बट जो बैटरी लाइफ है ना जितना हमने टेस्ट किया था, केस 1 और केस 2 आपको बता देता हूँ। केस 1 के अंदर हमने यूट्यूब को 2 hours 20 minutes के आसपास यूज किया था, और BGMI को हमने 42 minutes के आसपास प्ले किया था, नेटफ्लिक्स को हमने 1 hour 11 minutes के आसपास वीडियोस देखे थे, इंस्टाग्राम को भी 32 minutes के आसपास चलाया था, बाकी ट्विटर को 49 minutes के आसपास, और तभी मुझे ऑन स्क्रीन लगभग मिला था 8 hours 46 minutes के आसपास, और फोन पूरा दिन तक चला था। तो हाँ यहाँ पे बहुत सही बैटरी बैकअप माना जाएगा इसी स्क्रीनशॉट के हिसाब से। बट सेकंड केस में आप देख लेना, नेटफ्लिक्स को मैंने 2 hours 9 minutes के आसपास यूज किया है, और यूट्यूब को 1 hour 52 minutes के आसपास मैंने यूज किया है, बाकी इंस्टाग्राम 25 मिनट्स, और फिर ट्विटर को भी मैंने यूज़ किया था, और इस केस में मुझे ओनली बैटरी बैकअप 6 hours 32 minutes के आसपास ही मिला। हाँ कुछ टाइम फ़ोन दोनों भी केस में वाईफाई के साथ कनेक्ट था, और कुछ टाइम तक इसका 5G का नेटवर्क भी फ़ोन यूज़ कर रहा था। तो मतलब इतना फ्लक्चुएशन आपको देखने मिलता है, कभी अच्छा मिलेगा कभी थोड़ा कम मिलेगा, तो ऐसे पकड़ के चलो कि आपको 6.5 से 8 घंटे के बीच में ऑन स्क्रीन कम मिलेगा, बट फ्लक्चुएट करता है, जो मोटरोला को यहाँ पे फिक्स करना चाहिए। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जब हम ना YouTube ऐप इसके अंदर यूज करते हैं तो फोन थोड़ा फटाफट गर्म फील होता है, और बैटरी भी फटाफट थोड़ा ड्रॉप करता है, क्या ये इश्यू आपके साथ है कि नहीं, ये भी यार मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। सो अब बैटरी का भी आपको पता चला, अब आते हैं कैमरा के ऊपर, और कैमरा देखो मेरे एंगल से मैं बता रहा हूँ, शायद मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप डिसएग्री भी कर सकते हो, एग्री भी कर सकते हो। कैमरा के अंदर जो कलर प्रेफरेंस होता है ना सबका अपना अपना होता है, जो मुझे पसंद आए वो आपको पसंद आए, ऐसा ना भी हो आपकी भी कलर प्रेफरेंस अलग हो सकती है, बट मेरे हिसाब से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कैमरा स्पेक्स यहाँ पे देख लेना, सबसे पहले हमने फूलों के पत्तों के फोटोज लिए तो कलर को हल्का सा यहाँ पे बूस्ट कर लेता है। ह्यूमन सब्जेक्ट की यहाँ पे बात करें, कलर ट्यूनिंग मुझे सही लगी, बट बादल जो है ना पीछे के ज़्यादा ही डार्क कर रहा था, मतलब HDR को ना थोड़ा ओवर प्रोसेस कर लेता है। मतलब अभी अल्ट्रावाइड के अंदर तो आप देख सकते हो इसने तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर लिया, बट हाँ जो डिटेल्स वगैरह अल्ट्रावाइड के अंदर ये आपको ठीक ठाक से यहाँ पे देखने मिल जाएगी, बट इतने ज़्यादा डार्क बादल नहीं थे पीछे। लो लाइट की यहाँ पे बात करें, आपको डिसेंट टाइप डिटेल्स लो लाइट के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी पोर्ट्रेट मोड की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे थोड़ी इनकंसिस्टेंसी है कलर ट्यूनिंग के, मतलब चेहरे के ऊपर की जो कलर ट्यूनिंग है ना यहाँ पे देख लेना और यहाँ पे देख लेना, थोड़ा सा पिंकिश टाइप यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा था। बाकी हाँ इसके अंदर आप 35mm से भी फोटोज़ ले सकते हैं, मतलब 1.5x से, तो एज रिडक्शन वगैरह यहाँ पे मुझे ठीक ठाक देखने में मिली, डिटेल्स भी ठीक ठाक थी, बट लाइट कंडीशन चेंज होती है तो थोड़ी सी कलर ट्यूनिंग चेहरे के ऊपर चेंज हो जाती है। बाकी 55mm के अंदर भी ऐसे शॉट्स आप ले सकते हो, बैकग्राउंड अच्छे से ब्लर कर लेता है, बट डिटेल्स आपको एवरेज देखने मिलती है 55mm के अंदर। सेल्फियर इतनी ज़्यादा मुझे खास नहीं लगी, चेहरे को थोड़ा सा अलग ही बना देता है, बाकी आपको पसंद यहाँ पे आ सकती है। अगर आप 4K 30fps से वीडियो शूट कर सकते हो, स्टेबलाइजेशन का वगैरह यहाँ पे आइडिया लग रहा होगा आपको, और हाँ ऐसे कुछ कलर ये कैप्चर करता है।
बाकी ये 1080p 60fps है, और हाँ इसमें स्टेबलाइजेशन वगैरह सही से होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बाकी फोकसिंग की बात करें, थोड़ा सा होता है दिक्कत यार फोकसिंग के लिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। सो फाइनल आते हैं कंक्लूजन पे, और ये फाइनल कंक्लूजन रहेगा। अभी इतना दिन से फोन हम यूज़ करें तो आपको क्लियर कट बता सकते हैं कि ये किस ऑडियंस को टारगेट करता है और कभी आपको लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। देखो सबसे पहले आप एक ऐसे यूज़र हो, आपके मतलब फ़ोन के अंदर सारी चीज़ें बैलेंस लेवल की चाहिए, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो डेफिनेटली आपके लिए ये फ़ोन हो सकता है। जैसे कि डिज़ाइन के अंदर लेदर बैक का है, IP68 की रेटिंग है, स्लिम फ़ोन है, वन हैंडी है, कर्व डिस्प्ले है, कंटेंट वॉचिंग के लिए भी, हाँ HDR का सपोर्ट नहीं है बट नॉर्मल 4K वीडियोस वगैरह देखते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ड्यूल स्टीरियो स्पीकर है, लाउड है, कभी कभी फट फट जाते हैं वो अलग बात है। बाकी हाँ फास्ट चार्जिंग है, बैटरी लाइफ भी आपको ठीक ठाक लेवल की देखने मिल जाएगी, नॉर्मल परफॉर्मेंस अच्छी है फोन की, क्लीन सॉफ्टवेयर है, और बाकी 12 5G के बैंड्स के साथ भी आता है, बट गेमिंग परफॉर्मेंस आपको एवरेज और ख़राब देखने को मिल जाती है, और कैमरा आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, तो इनके लिए ये फ़ोन है। बट जो हाई लेवल के बंदे हैं जिनको परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वो लोग इस फोन से थोड़ा सा दूर रह सकते हो, गेमर्स के लिए तो बिल्कुल फ़ोन रिकमेंडेड नहीं है। इवन जिनको सॉफ्टवेयर अपडेट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, उनके लिए भी मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा आपको दूर रहना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें मैंने वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की है, उसको भी थोड़ा एनालाइज कर लेना, उसके बाद भी सारी चीज़ें आपको ढकाढक पता चल जाएगी। और इस फ़ोन के जो लेटेस्ट फ़ोन आए हैं ना, उनके साथ भी मैंने कंपैरिजन वीडियो बनाई है, जैसे कि IQ G9 ES, OnePlus Nord CE 4, उसके साथ भी इसके कंपैरिजन देख लेना, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से फ़ोन बेस्ट है क्या नहीं। और आपके लिए ऐसे हम ढकाढक वीडियोज़ लेके आती है तो यार फटाफट सब्सक्राइब कर देना, 325,000 कंप्लीट करने पास में तो आ चुके हैं हम, और बस 1,000 लाइक का टारगेट रखते हैं। बाकी कौन से फ़ोन का इसी सिंपल लैंग्वेज में टकाटक रिव्यू वीडियो चाहिए वो भी डेफिनेटली जरूर नीचे कमेंट कर लेना। बाकी हाँ सारी चीज़ें वीडियो के अंदर है, देख लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।